और ये देखिए इस वक्त राउंड, और ये है फील्ड गन की ताकत। ये हिंदुस्तान की आन बान और शान की तस्वीरें हैं। गूंज ऐसी कि धरती हिल उठी, आसमान थर्रा उठा। ये देश की पहली स्वदेशी फील्ड गन है, जिसकी रेंज सुनेंगे तो गर्व से सीना चौड़ा हो उठेगा। जिस जगह से ये तोप गोले दागेगी, वहां से 17 किलोमीटर दूर दुश्मन का ठिकाना नेस्तोनाबूद हो जाएगा। पूरे 17 किलोमीटर रेंज वाली ये देश की राजधानी दिल्ली में दहाड़ रही है, और जश्ने आजादी की शान बढ़ाने को पूरी तरह से तैयार है। गन्स हैं ये 21 बार फायर करेंगी, यानी कि 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। दो साल पहले तक यहाँ पे ब्रिटिश पाउंडर यानी 25 पाउंडर गन्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से स्वदेशी गन्स के जरिए ये जो ड्रिल है उसको की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी गन है जो कि भारतीय सेना की एक पहली स्वदेशी गन है, जो कि अलग अलग जो जंग में या अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से उसने काम किया, और इस वक्त इसको स्पेशली यहाँ पे 21 तोपों की सलामी के लिए ये बैटरी को यहाँ पे डेडिकेट किया गया है। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराएंगे, तो भारत की ये स्वदेशी तो 52 सेकंड के भीतर 21 राउंड गोले दागकर सलामी देगी। इंटेंस रेट ऑफ फायर की बात करें तो ये स्वदेशी फील्ड गन लगातार 6 राउंड फायर कर सकती है। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर जिस वक्त ध्वजारोहण करेंगे और जैसे ही राष्ट्रगान बजेगा, उस वक्त ये इसी तरीके से गन इसी ड्रिल के साथ स्टार्ट होगी। एक गन में 3 जो है वो ऑपरेटर हैं, और अब जो राउंड है, और ये देखिए इस वक्त राउंड, और ये है इंडियन फील्ड गन की ताकत। 21 राउंड दागने हैं ये, दो जिस राउंड दागे जा रहे हैं ये आपको दिखा रहा है, स्वदेशी गन है ये, भारतीय की स्वदेशी गन है जो कि यहाँ पे फायर कर रही है। ये ब्लैंक राउंड है, और इस वक्त वहाँ पे बज रहा है, और राष्ट्रगान के दौरान जो है ये 52 सेकंड तक ये लगातार ऐसे रहेंगे। 21 राउंड इनको फायर कर रही है। ये भारतीय सेना ताकतवर गन है, जो कि कारगिल के युद्ध में भी बहुत इस्तेमाल में लाई गई थी। लाल किले के प्राचीर से जो राष्ट्रगान बज रहा है, उसी के तहत इस तोपों की सलामी यहाँ पे इन गन जा रही है। टाइम बहुत शेड्यूल रखा जाता है, और ये वहाँ राष्ट्रगान खत्म हुआ और ये गन यहाँ पे जो है गरजना बंद हुई। 1982 में इस गन को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने तैयार किया था, और तब से लेकर अब तक लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। दिस पर्टिकुलर गन वॉज एक्चुअली डिजाइन बाई इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन द ईयर ऑफ 1982, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्विस आफ्टर दैट। नाउ दिस पर्टिकुलर गन इज एक्चुअली 1000 केजीज लाइटर देन योर 10 mm इंडियन फील्ड गन। A particular gun weighs around 2380 kgs, and it can fire up to a range of 17.2 kilometers. साल 2022 में आखिरी बार ब्रिटिश पाउंडर गन ने लाल किले पर झंडारोहण के दौरान सलामी दी थी। तब ब्रिटिश पाउंडर गन ने 20 राउंड फायर किए थे, और एक राउंड फायर स्वदेशी तोप 155 mm 88 GS ने किया था। लेकिन अब नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर दुनिया के सामने है। 21 तोपों की सलामी पूरे आन बान और शान के साथ अब स्वदेशी तोप से होगी।